बात जन्नत की जो कि जम गई है। कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी शीतलहर की चपेट में है। पूरे घाटी में तापमान शून्य से नीचे जा रहा है। नदी नाले झरने सब जम गए हैं। मानो इस बार की ठंड धरती की जन्नत को जमाने के लिए पड़ रही हो। अगर कश्मीर में ऐसी ही बर्फबारी होती रही तो नए साल का जश्न सफेद चादर के बीच मनाया जाएगा। कश्मीर में 40 दिन का टॉर्चर, उफ ये चिल्लई कलम, जम गई जन्नत। कश्मीर में आज से चिल्लई कला का दौर शुरू हो गया है और इसके साथ ही मानो शुरू हो गया परेशानियों का दौर। घाटी में ऐसी ठंड पड़ रही है मानो खून जमा दे। लेकिन ये हाल एक या दो दिन तक नहीं रहने वाला है, ये अगले 40 दिनों तक रहेगा। यानी पूरे जनवरी कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कश्मीर घाटी में एक दशक के बाद ऐसी ठंड पड़ रही है। हाल ये है कि झील झरने सब जम गए हैं। ये है गुलमर्ग से 13 किलोमीटर दूर स्थित दरंग का झरना जो ठंड की वजह से जम गया है। दरंग में पहाड़ी झरना पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो गया है। करीब 20 फीट ऊंचा वाटरफॉल बर्फ से ढक गया है। यहां दिन में तापमान -5 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है जबकि रात का तापमान -12 डिग्री तक चला जाता है। जब तापमान इतना कम हो तो जाहिर है पानी बर्फ बन ही जाएगा। कश्मीर के दूसरे हिस्सों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नदी नाले सब जम गए हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील समेत कश्मीर में कई जल स्रोत जमने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस बार चिल्लई कला कुछ ज्यादा ही बेरहम साबित हो रहा है। क्रिसमस और नए साल के लिए गुलमर्ग में पर्यटकों का जमावड़ा है। होटल्स की बुकिंग फुल है। आंकड़ों की बात करें तो हर दिन 2000 पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने 23 दिसंबर को और अधिक बर्फबारी की संभावना जताई है। यानी कश्मीर घाटी में पारा और गिरने वाला है।